बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू लजीज पकवान्स। आज हम बनाएंगे चिकन पैटीज़, लेकिन इस पैटी की खासियत है कि ये हमने ब्रेड से बनाई है और बहुत ही इसके अंदर स्टफिंग आप अपने पसंद की कुछ भी डाल सकते हैं। हमने तो इसमें चिकन ऐड किया है। तो अगर आपको अगर आप नॉनवेज नहीं यूज़ करना चाहते या फिर आपके पास नहीं है चिकन या मटन, तो आप इसमें वेजीज ऐड कर सकते हैं, कुछ भी वेज स्टफिंग ऐड कर सकते हैं, या फिर खाली आप आलू भी बॉईल करके और उसका अच्छा सा मसाला बना के वो भी ऐड कर सकते हैं। तो आइए फटाफट इसे बनाना शुरू करते हैं बिना वक्त ज़ाया करे। लेकिन सबसे पहले आप कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन, ताकि आपको मिलती रहे। बेल का आइकन तो प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए अब आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देते हैं। तो देखिए, हमारे पास चिकन है और इस चिकन को बॉईल करके हमने थोड़ा सा श्रेड कर लिया है और रखा हुआ है। हाथों की मदद से आप उसे मैश कर लीजिएगा। और इसके बाद ये देखिए, सबसे पहले ये है आपका कॉर्नफ्लोर, एक छोटा चम्मच, आधा छोटा चम्मच खटाई है, आधा छोटा चम्मच नमक है, आधा छोटा चम्मच आपका चाट मसाला है, और आधा छोटा चम्मच आपका नमक है, वाइट सॉल्ट यानी, और आपका क्यूमिन पाउडर है, साथ ही ले रखा है थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, थोड़ा सा बटर और 1 कप मिल्क। तो आइए फटाफट हम सबसे पहले बनाना शुरू करेंगे अपना फिलिंग। तो जिसके लिए एक पैन में हमने थोड़ा सा बटर डाला है और अब हम इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल भी ऐड कर देंगे और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपना चिकन। तो लीजिए, ये हमारी सारी चीज़ें इसमें एक एक करके ऐड हो गई हैं। इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे और इसके बाद हमारे जितने भी ये ड्राई स्पाइसेस थे वो एक करके हम इसमें ऐड करेंगे। तो प्रॉपर डिस्क्रिप्शन में आप इसमें जो इंग्रेडिएंट्स डले हैं उसकी लिस्ट चेक कर लीजिएगा। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि आप चिकन की जगह कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, आपके पास जो भी सामान अवेलेबल हो। आप इसमें पत्ता गोभी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें मिक्स वेज कुछ ऐड कर सकते हैं, पनीर ऐड कर सकते हैं, आलू मैश करके वो ऐड कर सकते हैं, या फिर कुछ भी रेजिडुअल कोई सब्जी या कुछ बची हुई हो तो हम वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमारे इसमें मसाले सारे एक एक करके इसमें जाते जा रहे हैं, इसमें ऐड होते जा रहे हैं, और इसका अब हम ज़बरदस्ती एक फिलिंग बनाने वाले हैं। और अब हम डाल देंगे इसमें दूध, और फ्लेम हमारी मीडियम है इस टाइम। साथ ही साथ हमने इसमें ऐड कर दिया थोड़ा सा मैदा, 2 चम्मच के करीब मैदा, और 1 छोटा चम्मच आपका चला गया इसमें कॉर्नफ्लोर। मिक्स कर लेंगे और आपका ये फिलिंग बस तैयार। तो आप किसी भी तरह के कुछ भी बनाएं, आप चिकन सैंडविच बनाएं, इसका चिकन पिज़्ज़ा बनाएं, या कुछ भी, काफ़ी सारी चीज़ों में आप नान बनाएं, स्टफ्ड नान बनाएं, स्टफ्ड पराठा बनाएं चिकन का, तो उसमें ये ही फिलिंग आपकी ऐड हो सकती है। तो बस अब हमने एंड में डाल दिया थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा और नमक, और अब हमने इसमें ऐड कर दिया थोड़ा सा अमूल फ्रेश क्रीम। तो ये हमारा इसमें अमूल फ्रेश क्रीम ऐड हो गई है, और आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी मेयोनीज भी ऐड कर सकते हैं, तो वो आपके टेस्ट पे डिपेंड करेगा। आपको ऐड अगर आपके पास है तो आप मेयोनीज भी ऐड कर दीजिए। तो बस हमारा ये लीजिए तैयार। अब इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और इसे साइड में हम रख देंगे। तो लीजिए, हमारी फिलिंग जो है वो बिल्कुल तैयार है चिकन की। और ये देखिए, ब्रेड के पीसेस को जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने एक राउंड कटर से या फिर ग्लास या कुछ भी आप शार्प एज वाला ऐसे लेकर इसके कॉर्नर्स निकाल दीजिए, इसके एजेस निकाल दीजिए, और बस उसके बीच में हमने चिकन रखा और ऊपर से हम ऐसे करके प्रेस कर देंगे। तो हमने 8 स्लाइसेस ले रखी हैं, 8 ब्रेड्स ली थी, और उसको हम ऐसे करके करते जाएंगे और साइड में रखते जाएंगे। अब हमें एक बैटर बनाना है जिसमें हमें अपनी पैटीज को डिप करेंगे, जिसमें हमने ले रखा है मैदा। तो ये हमारा मैदा है और साथ ही हमने ले रखा है इसमें थोड़ी सी सूजी। तो 2 टेबल स्पून आपका मैदा है और 1 टेबल स्पून आपकी सूजी है। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर ग्रेजुअली करके आपको डालना है थोड़ा सा पानी, और एक पेस्ट बनाना है। और उससे पहले हम थोड़ा सा इसमें नमक भी ऐड कर लेते हैं। तो ये इसमें चला गया थोड़ा सा नमक, और बस अब पानी इसमें डालकर, इसमें लम्स ना रहे, हमें ऐसा पेस्ट बना लेना है।
तो लीजिए हमारा ये डिपिंग बैटर तैयार है और साइड में रखे हुए हैं ब्रेड क्रम्स। अब हम एक एक ब्रेड उठाते जाएंगे, एक एक सैंडविच, और सबसे पहले हम इसे डिप करेंगे मैदे के बैटर में, चारों तरफ से रोल करके ऐसे कर लेंगे साइड्स पे भी ताकि कोट हो जाए, और अब हम इसे ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। तो देखिए इस तरीके से आप ब्रेड क्रम्स लगा दीजिए। कॉर्नफ्लेक्स को भी आप पीस कर और उसको थोड़ा सा ऊपर के उसमें भी आप कर सकते हैं, या फिर ब्रेड अक्सर होती है घर में उसके आप खुद घर में ही ब्रेड क्रम्स बनाएं, तो उससे आपका कोई भी इस टाइप का जो भी स्नैक बनाएंगे तो बड़ा ही ज़बरदस्त सा वो बनेगा। तो इस स्टेज पर आप इसे प्रिजर्व करके भी रख सकते हैं और इसे आप फ्रीज़र में फ्रीज कर सकते हैं, और फिर जब ज़रूरत पड़े तो आप फटाफट उस टाइम पर फ्राई कर लें। तेल, आइए चलते हैं फ्राई करने की तरफ, जहाँ पे हमारा तेल गर्म होने के लिए रखा हुआ था, और अब दोनों तरफ से गोल्डन और क्रिस्पी हो जाने के बाद हम एक एक इसे टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे ताकि इसमें से जो कुछ एक्स्ट्रा ऑयल है वो उसमें अब्जॉर्ब हो जाए। तो बस आपकी ज़बरदस्त सी चिकन पैटीज तैयार है, और कोई भी नहीं, जब इसे टेस्ट करेंगे तो कोई भी नहीं कह सकता कि ये ब्रेड से बने हैं। तो बिना मेहनत के, और लॉकडाउन में जहाँ पे चीज़ें मैसर नहीं हो पा रही हैं, चीज़ें इंग्रेडिएंट्स भी कम और चीज़ें भी, तो जो ज़्यादातर घर में चीज़ें होती हैं इसमें ज़्यादातर जो चीज़ें डली हैं वो ही हमने आपको बताई हैं। तो आप इस रेसिपी को आज ही ट्राई कीजिएगा, और ट्राई करके अपने फीडबैक्स तो बिल्कुल देना मत भूलिएगा। तो ये लीजिए आपकी चिकन पैटीज बनकर तैयार है। हम इसे बीच में से कट करके भी दिखा देते हैं, और आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी और क्रंची ये आपके ब्रेड पैटीज बनकर तैयार हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपने वाकई इंजॉय किया आज की रेसिपी को, तो प्लीज़ इस रेसिपी को आगे शेयर कर दीजिए, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ट्राई करके कि ये आपकी, जब आपने अगर ट्राई किया इस रेसिपी को तो कैसी लगी। दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह ताला फिर से मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो और रेसिपी के साथ।